नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी पहले फॉर्म को अप्लाई कर चुके थे बिहार उद्यमी योजना में और आगे भी करना चाहते हैं बिहार उद्यमी योजना में फॉर्म अप्लाई, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में कोई खास जानकारी आप लोगों को नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोग इस बार यानी कि 2023 में नया फॉर्म भरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक नए कैंडिडेट हो, कभी बिहार उद्यमी योजना में फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, तो आप लोग के लिए वीडियो जो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को स्किप आप लोग कहीं पे मत कीजिएगा। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग को आवेदन करने से पहले जो है अपना आधार कार्ड वेरीफाई किस प्रकार से कर लेना, ठीक है। आधार कार्ड वेरीफाई करने से जो कि आप लोग को पता चल जाएगा कि हम इस फॉर्म को हम भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को स्किप आप लोग कहीं पे मत कीजिएगा, ठीक है। ज्यादातर दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं के साथ में होता है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आप महिला है पुरुष है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ही समझ जाओगे और आप लोग पहले जो है आधार कार्ड को ठीक कर लोगे। इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ले चलता आपको पीसी स्क्रीन पर, वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि आधार कार्ड को आप लोग किस प्रकार से वेरीफाई करना है और क्या उसमें चेक करना होता है और आप लोग को आगे जो है क्या करवाना होता है आगे लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को कहीं पे आप लोग स्किप मत कीजिएगा। मेरे दोस्त चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बिहार उद्यमी योजना में आप लोग को फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड जो है किस प्रकार से आप लोग को वेरीफाई चेक करना है चलिए जानते हैं, ठीक है। देखिए आप जो है आप गूगल क्रोम से भी इसको चेक कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल फ़ोन से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जब आप गूगल क्रोम खोलोगे तो आपको सिंपल सा टाइप करना होता है UIDAI जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो कि अपना आधार कार्ड को वेरीफाई चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप गूगल क्रोम खोल करके सर्च बार में टाइप करोगे UIDAI, ठीक है, केवल इतना डाल करके सर्च करोगे और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ आ जाने के बाद आपको माय आधार के सेक्शन पे कर्सर को ले जाना है एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वेरीफाई यानी आधार नंबर पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, नीचे करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई मोबाइल ईमेल पर, ठीक है, ईमेल मोबाइल पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फोन नंबर ये कैप्चा डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आपको चेक करना होता है। बट यहाँ से क्या होगा कि जो आधार से नंबर रजिस्टर्ड होगा वही नंबर आप यहाँ पे डालोगे तभी जाकर के आपको OTP आएगा, अन्यथा आपको OTP नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक अलग जानकारी, चलिए अब आपको हम बताते हैं केवल आधार नंबर से आप लोगों को किस प्रकार से जो कि चेक करना है, ठीक है। दोस्तों आधार कार्ड में आप लोग को ये चेक करना रहता है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम आपको आपको जो है मोबाइल फोन से बताने वाले हैं कि मोबाइल फोन से आप लोग किस प्रकार से चेक करोगे। तो दोस्तों मोबाइल से आप लोग को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आप प्ले स्टोर ओपन करोगे, प्ले स्टोर में आपको लिखना होगा एम आधार, ठीक है, केवल इतना डाल करके आप लोग सर्च करोगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद जो आपको सेकेंड में ऐप दिख जाएगा एम आधार का, जो कि इसका लोगो जो है कुछ इस प्रकार का है, तो इसको हम काट देते हैं फिलहाल, कॉल पता नहीं किसका था। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को आ जाएगा ऐप, इसको जो है आप लोग इंस्टॉल कर लोगे फिलहाल, जो इसको हम इंस्टॉल कर लिए, हमको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस ऐप को ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को कैसे चेक करना है थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। जब इस ऐप को ओपन करोगे थोड़ा सा आप लोग को डिटेल्स जो वो मांगा जाएगा, नाम वगैरह सब, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग डाल दोगे और जो ये नॉर्मल तरीका से ओपन हो जाएगा, जिसमें जो कि आप लोग का आधार कार्ड से रिलेटिव किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप इसमें जान सकते हो, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों जो है आपको इंटरफेस जो कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा, ठीक है, आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा वेरीफाई आधार पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ऊपर में दोस्तों आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, नीचे में जो ये कैप्चा आप देख रहे होंगे ये वाला कैप्चा जो आप लोग को डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए अपना आधार नंबर जो एक डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे हम कैप्चा को डाल दिए हैं, कैप्चा डाल देने के बाद यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नीचे में हमें दिखा देगा, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो है मोबाइल नंबर लास्ट का 3 डिजिट जो वो दिखा दिया, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो कि आपका कौन सा नंबर है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि ये कौन सा नंबर है तो आप जो उस नंबर को मतलब तैयार रखोगे, अगर नहीं होगा तो अपना नंबर जो है वो आधार सेंटर से अपडेट करवा सकते हो, और आधार कार्ड का डिटेल जो है आपको सर्टिफिकेट पर मैच भी करवा लेना, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप सुधार करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए आते हैं हम आप पीसी स्क्रीन पे दोबारा। तो दोस्तों जैसे आप देख चुके हैं कि आप लोगों को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर किस प्रकार से चेक करना है, ठीक है। अगर नहीं होगा आपके आधार कार्ड से फोन नंबर रजिस्टर्ड
तो वो आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि जब भी इसमें फॉर्म आप भरोगे तो आपके आधार कार्ड से फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा जो आपके 10th और 12th पे जो आप लोग का मार्कशीट होगा उस पे जो आप लोग का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वही डेट ऑफ बर्थ जो आप लोग को सेम डाटा जो आपको आधार कार्ड में भी करवा लेना, ठीक है। रिजेक्ट फॉर्म होने का मेन रीज़न यही रहता है कि आपका डाटा जो वो मैच नहीं करता है, सर्टिफिकेट पे कुछ और रहता है और आप लोग के आधार कार्ड पे जो वो कुछ और रहता है, इस वजह से फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाता है। ये दोस्तों जानकारी जो हम आप लोग को बहुत ही पहले दे चुके हैं, तो आप लोग अगर आप लोग देख लीजिएगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर अभी भी आप चेक करके देखोगे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप उसको सुधार करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक जानकारी और आपको बताते हैं, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग को जो एक उद्यम रजिस्टर होना चाहिए, जो कि आप यहां पे देख सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि कहा भी जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है यहां पे पंजीकरण करना होगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। यहां पे लिंक दिया गया है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग को जो इसके वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा, जहां से जो कि आप लोग को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आप लोग को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। यह आपको मैंडेटरी कर दिया है, इस बार आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आप लोगों से यह सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा। ये आप लोग किस प्रकार से बना सकते हो, इस पर जो कि हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक डाल दिए हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगा, हमारे आई बटन में भी लिंक दे दिए हैं वीडियो का, ठीक है। तो तीनों जगह में जो जहां पे आप लोग को उचित लगे वहां से इस वीडियो को देख लीजिएगा, किस प्रकार से आप लोग को ये वाला मतलब जो है सर्टिफिकेट बनाना है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये आपको मैंडेटरी बता दिए और आप लोग का आधार कार्ड वाला जो बात वो आपको हम बता दिए, तो आप लोग इन चीज को पहले ही देख के क्लियर कर लीजिएगा। जैसे ही डेट आएगा हम आपको 15 से 20 दिन पहले सूचित कर देंगे, और उसके बाद जो आप लोग जाति या निवास तीनों चीज वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा जानकारी जो कि आज के आप लोग को हम कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले हम आप लोग तक पहुंचा दें, ठीक है। तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।